नमस्कार दोस्तों, एपी एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी तुरंत ही अधीनस्थ बोर्ड ने पटवारी भर्ती का रिजल्ट जारी कर दिया है, तो ये जो वीडियो है हम उसमें क्या पटवारी की कैटेगरी वाइज कट ऑफ रही उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर इसमें जो दो गुना अभ्यर्थी लिए हैं तो उनके बाद उनके क्या क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, कब तक उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट आएगी और क्या नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस हुआ है, कि नंबर बढ़े हैं घटे हैं, कौन से पेपर में नंबर बढ़े हैं कौन से पेपर में घटे हैं, वो सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो अगर आप भी पटवारी के पार्टिसिपेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तो इस वीडियो को अंत तक देखें। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इसी तरह की जो लेटेस्ट वैकेंसी है और उनके बारे में सारी जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो हम यहाँ पे वीडियो के माध्यम से आपको उपलब्ध करवाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जो बोर्ड है उसने अभी जो रिजल्ट जारी किया, आप देख सकते हैं उसमें जो आपका रिजल्ट है उसमें दो गुना अभ्यर्थी को उन्होंने लिया है। जो अभी जितनों का रिजल्ट आया है उसमें दो गुना अभ्यर्थियों को लिया है। इन लोगों का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसके बाद फिर एक गुना की लिस्ट आएगी। तो चलिए देखते हैं कैटेगरी वाइज कट ऑफ आपके क्या रहे हैं। ये नॉन टीएसपी की कट ऑफ है, ठीक है। नॉन टीएसपी में जो जनरल है, जनरल में जो बॉयज है, तो ओवरऑल जनरल की कट ऑफ आपके 220.77 मार्क्स गई है। याद रखना दो गुना की कट ऑफ है, इसका मतलब जब एक गुना की कट ऑफ आएगी तो कहीं कहीं आपके 10 से 20 नंबर कट ऑफ बढ़ सकते हैं। आप हर कैटेगरी में ध्यान रखना, ये दो गुना की कट ऑफ है उसमें जनरल के जो पुरुष है उन लोगों की कट ऑफ 220 रही है दो गुना में। उसी में जो महिलाएं हैं उनकी कट ऑफ रही है 210, और पिछली बार से आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा मेरिट है। ये लास्ट ईयर जो 2016 की पटवारी भर्ती थी तब 196 एक गुना में 196 की कट ऑफ रही थी, और इस बार वही कट ऑफ दो गुना में 210 है, 220 मार्क्स है, तो कहीं भी बहुत ज्यादा अंतर है। उसी में जो वीडियो है, जनरल में जो वीडियो है उसकी कट ऑफ गई है आपके 121 मार्क्स, और जो डायवोर्स है उसकी कट ऑफ है 180 मार्क्स, ठीक है। फिर से आप ध्यान रखना, जनरल की कट ऑफ है जनरल पुरुष महिला विडो और डायवोर्स के। उसी में आपके ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ, ईडब्ल्यूएस इसी बार तो पहली बार पटवारी भर्ती है जिसमें आपको ईडब्ल्यूएस का आरक्षण मिला है, उसी में जो जनरल पुरुष की कट ऑफ है वो 210 नंबर गई है। अब आप देख सकते हैं कहीं भी जनरल और जनरल ईडब्ल्यूएस में 10 नंबर का फर्क है, यहाँ 220 नंबर की कट ऑफ गई है और यहाँ पे 210 नंबर की कट ऑफ गई है। ईडब्ल्यूएस में महिला, ईडब्ल्यूएस में जो महिला कैटेगरी है उनकी कट ऑफ गई है आपके 198 मार्क्स, 198 की कट ऑफ गई है। इसको भी आप देख सकते हैं पहली वाली कट ऑफ से, आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं, जो पहले महिला की कट ऑफ है वो 210 है और यही आप ईडब्ल्यूएस में गिनोगे तो कितनी है 198, तो यहाँ पर भी आपके कम से कम 12 नंबर का फर्क आया है। फिर सेम वीडियो और डायवर्स के लिए जो कट ऑफ है 105 और 182, ठीक है। अगली कट ऑफ है एससी कैटेगरी, आप ध्यान रखना ये सारी कट ऑफ नॉन टीएसपी की है, नॉन टीएसपी की कट ऑफ को हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, इसके बाद हम टीएसपी की कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे। एससी कैटेगरी में जो जनरल पुरुष है, एससी कैटेगरी में जो जनरल पुरुष है उसकी 191.899 की कट ऑफ गई है एससी में जनरल पुरुष, यही एससी में जो महिला है उनकी कट ऑफ 177.75 मार्क्स गई है। सेम एसटी में, एससी में विडो और ये डायवर्सिटी की कट ऑफ है 76 और 170 मार्क्स गई है। फिर हम आते हैं एसटी कैटेगरी में, एसटी कैटेगरी में जो जनरल है मतलब एसटी कैटेगरी में जो पुरुष है पुरुष की कट ऑफ गई है 187 मार्क्स, ये एसटी में पुरुष की कट ऑफ है। एसटी में जो महिला कैंडिडेट है उसकी कट ऑफ गई है 177 मार्क्स, और एसटी में विडो और डायवोर्सिटी की कट ऑफ है 63 और 141 मार्क्स। फिर ओबीसी, ओबीसी में जो पुरुष की कट ऑफ है ये 219 मार्क्स है, आप देख सकते हैं 220 जनरल पुरुष की और ओबीसी की 219, मात्र एक नंबर का फर्क है दोनों की कट ऑफ में। फीमेल, ओबीसी में जो फीमेल है उसकी कट ऑफ है 204 मार्क्स,
फिर है ओबीसी में विडो, ओबीसी में विधवा की कट ऑफ है वो है 105 मार्क्स और डीवी यानी डाइवोर्सी की कट ऑफ है 178 मार्क्स, ये ओबीसी की कट ऑफ है। फिर आगे आते हैं एमबीसी में, आप देख सकते हैं एमबीसी और ये शहरी की कट ऑफ है आपके एमबीसी, एमबीसी में पुरुष की कट ऑफ है 205.7 मार्क्स। फिर जब दो गुना कट ऑफ है ये, इसके बाद जब आपके एक गुना की कट ऑफ आएगी तो कहीं कहीं 10 से आपके 20 नंबर इससे बढ़ जाएंगे, तो कहीं भी कट ऑफ पिछली बार से बहुत ज्यादा हाई रही है। एमबीसी में जो फीमेल है उसकी कट ऑफ आपके 180 मार्क्स रही है, एमबीसी में जो विडो है उसकी कट ऑफ 90 मार्क्स रही है और एमबीसी में जो डाइवोर्सी है उसकी कट ऑफ 156 मार्क्स रही है। फिर आते हैं सहरिया, सहरिया जनजाति में जो पुरुष की कट ऑफ है वो 75 मार्क्स है, सहरिया में जो महिला कैंडिडेट है उसकी कट ऑफ 60 मार्क्स है और सहरिया में विडो है उसकी 19 मार्क्स और डाइवोर्सी की 44 मार्क्स। ये नॉन टीएससी की कट ऑफ है, ठीक है। अब हम टीएससी की कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे, आप देख सकते हैं अगली जो कट ऑफ है वो आपकी टीएससी की रहेगी कहीं नहीं, बाद में हम जो फॉर्मूला यूज हुआ है नॉर्मलाइजेशन उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अभी हम एक बार टीएससी की कट ऑफ देख लेते हैं, ये आपके टीएससी की कट ऑफ है, टीएससी में जनरल, टीएससी में जनरल, फिर से टीएससी में ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, इनको कोई आरक्षण अलग से नहीं है, टीएससी में ओवरऑल सभी लोग जनरल है, तो टीएससी में जनरल की कट ऑफ जो आपके हैं 187 मार्क्स रही है, टीएससी में जो जनरल पुरुष है उनकी कट ऑफ 187 मार्क्स रही है, टीएससी में जो महिला कैंडिडेट है उनकी कट ऑफ 172.53 मार्क्स लगभग रही है। टीएससी में जनरल पुरुष की कट ऑफ 187 नंबर 187 है, टीएससी में जो फीमेल कैंडिडेट है उनकी कट ऑफ 172 मार्क्स है। उसके बाद आप टीएससी में जो विडो है या देख सकते हैं कट ऑफ आपकी स्क्रीन पे है, टीएससी में जो विडो है उसकी कट ऑफ 77 मार्क्स रही है और टीएससी में जो डाइवोर्सी है उसकी कट ऑफ 135 है। अब मैं आपको पहले का आइडिया दे देता हूं, 2014 की जो पटवारी भर्ती थी उस टाइम टीएससी की 176 मार्क्स गई थी पुरुष की कट ऑफ और जो महिला थी उनकी कट ऑफ 135 मार्क्स थी। आप अंतर यहीं से देख सकते हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंस है, पुरुष में तो ज्यादा नहीं हुआ लेकिन अभी दो गुना है आपके एक गुना में, कहीं की कट ऑफ में 10 से 15 नंबर या 10 से 20 नंबर की कट ऑफ बढ़ जाएगी, तो उस हिसाब से कहेंगे ये कट ऑफ 200 पार होने वाली है। तो आपके पिछले साल से 25 नंबर ज्यादा कट ऑफ है पुरुष की और महिला की, आप देख सकते हो 70-80 नंबर का फर्क है। फिर एससी में, टीएससी में एससी पुरुष की कट ऑफ है 173 मार्क और महिला की कट ऑफ है 160 मार्क, विडो और डाइवोर्सी की सीधे 3 एससी में, एससी में पुरुष की कट ऑफ है 136 मार्क, ये एससी कट ऑफ बहुत कम रही है, एससी की कट ऑफ जनरल की पुरुष 136 मार्क और एससी में जो फीमेल है फीमेल कट ऑफ है 128 मार्क और जो विडो है उसकी कट ऑफ है 4.9 और डाइवोर्सी है उसकी 103। ये टीएससी की कट ऑफ है जनरल एससी और एससी और ये जो कट ऑफ है वो है आपके जो एक्स सर्विसमैन स्पोर्ट्स वाले और जो हैंडीकैप्ड लोग हैं उनकी कट ऑफ है 113 मार्क्स, हैंडीकैप्ड भी है एक्स सर्विसमैन की मात्र 15 नंबर की कट ऑफ है और स्पोर्ट्स मैन की कट ऑफ है आपके 100 नंबर की। ये दो गुना की कट ऑफ है, अब ध्यान रखना दो गुना लोगों को इन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया है। अब हम जो अगला वीडियो बनाएंगे आपको उसमें बताएंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको उस दिन ले जाने पड़ेंगे, ये सारी जानकारी हम आपको वीडियो के माध्यम से बता देंगे। अभी आप खाली ध्यान रखिए कि ये दो गुना की कट ऑफ है और जब एक गुना की कट ऑफ आएगी तो कहीं कहीं आपके 10 से 20 नंबर आपकी कट ऑफ प्लस रहने वाली है, कुछ भी हो सकता है, 10 नंबर भी बढ़ सकती है, 15 नंबर भी बढ़ सकती है, 20 नंबर तक भी आपकी कट ऑफ बढ़ सकती है। अब बच्चों का बहुत सारे डाउट होते हैं कि किस तरीके से नंबर है, कि हमारे नंबर बढ़े या घटे, तो देखिए आपके इसके पीछे जो आपके रिजल्ट है उसके पीछे एक तालिका दी हुई है, यहाँ पे आपको उन्होंने प्रश्नों की संख्या बताई है कि कौन कौन से प्रश्न डिलीट हुए हैं, कौन से प्रश्न आपके यहाँ पे हटे हैं और उसके बाद एक नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला है। तो आप यहाँ देख सकते हैं जिन लोगों का पेपर आपकी यहाँ पे पारी लिखा है, ये आपके जो 23 तारीख को मॉर्निंग में जो पेपर हुआ था, 23/10 को जो पेपर हुआ था प्रथम पारी में, ये उसका शेड्यूल है। आप अपने पेपर के ऊपर आप कोड देखिए, जैसे ये जीएस का सेक्शन है, जिन लोगों के इस तरह का चिन्ह है आपके पेपर के ऊपर कोड होगा 1 से 38 प्रश्न, ये आपके किसके थे 38 प्रश्न जनरल साइंस के,
तो आप यहां से देख सकते हैं कि कौन से प्रश्न आपके डिलीट हुए हैं, कौन से प्रश्न, तो यहां पे 1 से 38 में जो 35 नंबर का क्वेश्चन है ये इन लोगों का डिलीट हुआ है। सेम जिन लोगों के ये बोर्ड है उनके ये जीके वाले क्वेश्चन थे, तो इनके 3 नंबर क्वेश्चन डिलीट हुआ है। अब फिर से ध्यान रखना, ये आपके पेपर जो अलग अलग है उनके हिसाब से है। कुल मिला के आपके जीके में कितने प्रश्न डिलीट हुए हैं? जीके में 1 प्रश्न डिलीट हुआ है ओवरऑल। उसी तरह राजस्थान जीके में 1 भी प्रश्न डिलीट नहीं हुआ, कौन से पेपर में? 23 तारीख वाले में। फिर आपके हिंदी इंग्लिश में 1 भी प्रश्न डिलीट नहीं हुआ। रीजनिंग और मैथ वाले में 2 क्वेश्चन डिलीट हुए और यहाँ पे भी 1 भी प्रश्न डिलीट नहीं हुआ। अब ये जो नंबर है वो कोड है खाली, इस दिन में आप कुल मिला के 1 और 2 कुल 3 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं। तो जिन लोगों का पेपर 23 पर था वो लोग आपके पेपर में कोड के हिसाब से देख लो कि कौन सा प्रश्न डिलीट हुए हैं। आगे उसी तरह ये सबका दिया है, 23 तारीख को जो द्वितीय पाली है उसके क्वेश्चन दिए आपको, देख लो 1 और 2 इनके भी 3 प्रश्न डिलीट हुए हैं। जो 24 तारीख को प्रथम पाली है ये उनके प्रश्न है, आप यहाँ पे डिलीट की संख्या देख सकते हैं, इनके कोई भी प्रश्न डिलीट नहीं हुआ है। सेम 24 तारीख को जो सेकंड पेपर है, 24 तारीख को जो सेकंड पेपर है उसमें 1 प्रश्न यहाँ पे डिलीट हुआ है राजस्थान जी के, 1 प्रश्न हिंदी इंग्लिश में डिलीट हुआ है, 1 प्रश्न मैथ हिंदी में डिलीट हुआ है, तो इनके भी कुल 3 प्रश्न डिलीट हुए हैं। तो आप अपने पेपर के कोड में आप देखो आपके पेपर के ऊपर कौन सा चिन्ह बना हुआ है, उस हिसाब से आप चेक कर सकते हो कि कौन कौन से प्रश्न डिलीट हुए हैं। ये ओवरऑल 3 प्रश्न इनके भी डिलीट हुए हैं। उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं, तो इन्होंने देखो नॉर्मलाइजेशन का एक फॉर्मूला भी दिया है आगे, तो हम तो थोड़ी देर के लिए ऊपर डिस्कस करेंगे। एक तो आप अपना मार्क्स कैसे निकालेंगे, अगर जैसे बोर्ड आपके नंबर जारी कर देगा 10 से 15 दिन में, लेकिन फिर भी जिन लोगों को होगा कि हम हमारे मार्क्स अभी चेक करना चाहते हैं तो आप अपने मार्क्स इस फॉर्मूले से चेक कर सकते हैं। ये रहा आपके नंबर ऑफ राइट क्वेश्चन, देखो आरक्यू का मतलब है नंबर ऑफ राइट क्वेश्चन, आपके सही प्रश्न कितने हैं। केएफ का मतलब है की फैक्टर, देखिए आरक्यू का मतलब है नंबर ऑफ राइट क्वेश्चन, ये जो केएफ है ये की फैक्टर है। उसके बाद डब्ल्यूक्यू का मतलब है रॉन्ग क्वेश्चन, फिर की फैक्टर है और डिवाइड बाय 3। अब ये बच्चों का डाउट रहता है कि की फैक्टर क्या है, तो देखिए की फैक्टर कोई अलग से नहीं है, ये आपका फॉर्मूला है की फैक्टर का। मैक्सिमम मार्क आपका पेपर जितने नंबर का था तो आपके जो अधिकतम अंक बटे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, आपके कुल प्रश्न कितने थे, तो इससे आप क्या निकालते हो एक प्रश्न कितने नंबर का था। उसके बाद आपके पर्टिकुलर सेक्शन, देखो आप सेक्शन वाला नहीं भी निकालोगे आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो कि आपके कितने प्रश्न डिलीट हुए। ये की फैक्टर का मतलब आप समझ जाओ वेटेज, आपके पर क्वेश्चन का जो वेटेज है वो डिलीट हुआ है तो बढ़ जाएगा। तो आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन ऑफ ए पर्टिकुलर सेक्शन यानी कुल प्रश्न कितने थे, या वापिस आप ऐसे लिख दो कुल प्रश्न बटे यहाँ पे नंबर ऑफ वैलिड क्वेश्चन यानी जो क्वेश्चन डिलीट हुए। देखिए दो क्वेश्चन जैसे जिन लोगों के 3 प्रश्न डिलीट हुए, तो अगर आपके 150 प्रश्न थे तो आप किसका भाग करोगे 147 का। अब ये तो वैसे भी कट ही जाएगा, और इस सब में की फैक्टर का क्या मतलब है, तो आपके कुल नंबर आपके उस पेपर के कुल अंक यानी 300 नंबर का पेपर था तो आप 300 लिख दो बटे जिन लोगों के 1 ही प्रश्न डिलीट हुआ वो तो 150 का भाग करेंगे, और जिन लोगों के 3 प्रश्न डिलीट हुए वो किसका भाग करेंगे 147 का। तो ये आपके क्या आ जाएगा की फैक्टर आ जाएगा। तो वेटेज है कुल मिला के, आप इस वेटेज से आप अपने नंबर चेक कर सकते हो। दूसरा एक स्टूडेंट को डाउट यह रहेगा कि नॉर्मलाइजेशन किस तरह से हुआ, तो आप देखिए इन्होंने स्केलिंग का फॉर्मूला लिखा है, इसके बारे में हम एक वीडियो डिस्कस और करेंगे। मैं आपको ऊपर बता देता हूँ कि किस तरह से नॉर्मलाइजेशन हुआ है। देखिए ये शिफ्ट है, शिफ्ट वाइज इन्होंने मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रखा है। आप देखिए चारों शिफ्ट का उन्होंने ये जो मीन है और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रखा है, और ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से आप ये पता कर सकते हो कि कौन से पेपर के नंबर बड़े हैं, कौन से पेपर के नंबर कम हुए। इसके लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे। बाकी नॉर्मलाइजेशन हुआ है और बच्चों के मार्क्स बड़े भी हैं और कम भी हो सकते हैं, तो आप इस फॉर्मूले से अपना पेपर निकालिए, आपकी शिफ्ट चेक करिए और इसमें आपको फॉर्मूले में मार्क्स रखना है। तो आज के लिए हम वीडियो यहीं पे रोकेंगे। अगला जो वीडियो है, आपको जो भी डाउट हो, आप ये जानना चाहते हैं कि हमारा पेपर इस दिन को हुआ तो हमारे नंबर बढ़े हैं या घटे हैं, तो वो सारी जानकारी आपको मिलती जाएगी। लेकिन अभी हमने खाली ये वीडियो कट ऑफ के लिए बनाया था, फिर भी आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं, तो हमारा नेक्स्ट वीडियो उसी से रिलेट होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।